ऊंचे से ऊंचा पेड़ भी जब खड़ा होता है ना दोस्तों जमीन पर, तो समझ लीजिएगा उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती है जमीन के अंदर। तो उसी तरीके से अगर आपको फिजिक्स को समझना है, बहुत लंबी पारी फिजिक्स में खेलनी है, तो आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल उतना ही पक्का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास भोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ये फैराडेज लॉ, लेंज लॉ क्या होता है। तो आज यहाँ पे फैराडेज लॉ लिखेंगे और अगले वीडियो में हम लेंज लॉ को भी देखेंगे। देखो इसे समझना बहुत जरूरी है, ये अगर समझोगे तो आगे के कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले हम समझेंगे ये फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ना। तो बहुत सारी किताबें में आपको इतना ही डायग्राम दिखेगा और इससे फ्लक्स समझाया जाएगा, तो वो नहीं समझ में आएगा दोस्तों। सिर्फ डायग्राम पूरी तरीके से नहीं बनी है, इसके लिए उसको समझने में दिक्कत आती है काफी सारे स्टूडेंट्स लोग को। तो यहाँ पे देखो ये पूरी डायग्राम आपके सामने है, इधर से आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इधर से आपको दिख रहा है मैग्नेटिक साउथ पोल। और सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है बी, है ना, वो नॉर्थ पोल से जाकर के साउथ पोल की तरफ जा रही है। और समझिएगा यहाँ पे हम कोई भी मेटल सरफेस रख देते हैं तो उस मेटल सरफेस के अंदर से ये मैग्नेटिक लाइंस जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से, जो भी वो मेटल सरफेस का एरिया होगा उससे ये मैग्नेटिक लाइंस जाती है, बस वही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। लेकिन वो लाइंस किस तरीके से जानी चाहिए, नॉर्मली जानी चाहिए। नॉर्मली आपको वर्ड पढ़ने मिलेगा, नॉर्मली मतलब क्या, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो उसका ये जो लाइंस है वो सरफेस के साथ में जब 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली जाना चाहिए, मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस एरिया से नॉर्मली जाना चाहिए। तो ऐसे नॉर्मल जाने वाले जितने भी मैग्नेटिक लाइंस है उन सब का प्रोडक्ट इस एरिया के साथ में, इतने एरिया के साथ में इतने मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप इतना तो समझ चुके हैं कि इस लाइंस के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइंस जा रही है वो हमारे एक सरफेस में से, जो जो भी आपका एरिया है उस एरिया में से कितने मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो आप समझिएगा अगर ये सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा हो, उसमें से जो लाइंस जा रही है वो नॉर्मल नहीं जा रही हो, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं जा रही हो, तो वो यहाँ पे इस मैग्नेटिक लाइंस के साथ में कुछ एंगल बना लेगी दोस्तों, थीटा, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में हमने एरिया को मल्टीप्लाई करना है और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है दोस्तों। और ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये कॉस थीटा की तरफ लेके जाएगा, बी डी एस हमारा ये छोटा सा एरिया हमने उस मेटल सरफेस का पकड़ा है, जिसको हमने छोटा सा टाइनी टाइनी एरिया, इसके लिए इसको डी एस सरफेस जो है टाइनी है, इसके लिए इसको डी एस बोला है, बड़े सरफेस एरिया का एस का ये छोटा सा सरफेस हमने समझने के लिए लिया है। तो ये डी एस है, उसका छोटा सा पार्ट है, तो यहाँ पे बी डी एस, और जबकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कॉस थीटा में रिजॉल्व हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखो ये जो हमारा थीटा है एंगल बना रहा है ये डीएस इस एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो अगर हम इस एरिया को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो वो कॉस थीटा होगा, और ऊपर की डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो वो साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमको नॉर्मली चाहिए तो हम इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा क्यों बनेगा, क्योंकि ये थीटा के जहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का यहाँ पे होता है ना, तो उसमें जो थीटा एंगल होता है ना उसकी एडजेसेंट वाली बाजू के साथ में अगर रिजॉल्व होता है तो उसे हम कॉस थीटा का साथ में रिजॉल्व करते, और अगर वो इसकी अपोजिट साइड यहाँ पे जो लाइन होगी इस ये लाइन के साथ में, अगर ये थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं कि सामने वाली अपोजिट साइड अपॉन ये हाइपोटेनियस पकड़ेंगे तो अपोजिट साइड तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगी जो साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में करेंगे तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इस डी एस को जो थीटा बना रहा है उसको यहाँ नीचे लैंडस्केप लाइन में हम इसको
रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉस थीटा वाला हो जाएगा, तो ये बी डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा एरिया है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जितने भी उसके अंदर से जा रहे हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से इसको यहाँ पे रिजॉल्व किया है, तो ये कॉस थीटा लेंगे हम, तो बी डी एस कॉस थीटा जो है हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस एरिया के लिए हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो इसको मैं और भी आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। देखो ये बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, डीएस जो है हमारा एरिया है, और ये कॉस थीटा है। मैं एरिया को अगर ए बोलूं, मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलूं, और कॉस थीटा को सी बोलूं, तो एबीसी का प्रोडक्ट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आसान है, देखो ये ए बी सी है, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सी से कॉस थीटा है, जो भी आपका एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसका यूनिट भी देखना चाहेंगे, ये फ्लक्स का यूनिट क्या होता है भैया, ये फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है, वेबर होता है। फिर ये एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कॉस थीटा को साइड में रखिएगा, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा टेस्ला, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है वेबर, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो वो टेस्ला आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट को भी याद रख सकते हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, ए बी सी, कितना आसान है, ए बी सी, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा कॉस थीटा एंगल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 0 जब होगा तो वो कहलाएगा 0 हो जाएगा, और कॉस 90 जब हम नॉर्मली बोल रहे हैं ना, नॉर्मली होता है 90 डिग्री कॉस, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे जितने भी नॉर्मल लाइंस उस एरिया से पास हो रहे तो वो 90 डिग्री कहलाएंगे, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये बी डी एस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी ए फ्लक्स यानी क्या होगा, बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो उस एरिया के अंदर जितने भी नॉर्मली जाने वाले मैग्नेटिक लाइन्स है उनका प्रोडक्ट जो है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसे हम पढ़ेंगे कि फैराडेज ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या बताया। देखो दोस्तों, फैराडेज फर्स्ट लॉ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लेमिंग रूल के बारे में याद कराना चाहता हूँ, जो भी उसका लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल है, उसमें जो हमारा ये फोर फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, जो मिडिल फिंगर है वो करंट बताता है, और जो हमारा थंब है वो फोर्स बताता है, ठीक है। तो इन तीनों क्वांटिटी को देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स दोनों मिलके यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये तीन क्वांटिटी है, तो उसी तरीके से फैराडेज फर्स्ट लॉ में ये तीन क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसके अंदर है दोस्तों। जितने भी लाइंस इसको नॉर्मली परपेंडिकुलरली इस एरिया में से पास हो रहे हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसके अंदर, तो ये करंट की जगह पे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा यहाँ पे, और बाकी ये मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे है। तो ये तीन क्वांटिटीज इसमें हमें पढ़नी है। तो फैराडेज ने क्या बोला है, फैराडेज ने बोला है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, देखो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है मैग्नेटिक, इसके अंदर जो लाइंस पास हो रहे हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहे हैं, ब्लू लाइन से दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी से इंडिकेट किया है, यहाँ पे जो भी सरफेस रखा है हमने, इस सरफेस को जितना भी नॉर्मल लाइंस जा रहा है ये होगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन आप जैसे ही इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे इस फील्ड के अंदर, ठीक है, इस फील्ड के अंदर अगर आप इस सरफेस को हिलाते हो, इसको अगर मोशन में करते हो, इसको अगर फोर्स देते हो, हिलाते हो, तो इसके अंदर से जाने वाली जितनी भी नॉर्मल लाइंस है वो चेंज होती रहेगी। आप थोड़ा सा ऊपर करोगे लाइंस बदल जाएगी, थोड़ा नीचे करोगे ऊपर जाएगी, आगे पीछे करोगे तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा घुमाओगे तो इसमें लाइंस जाने वाली जितनी है नॉर्मली जाने वाली लाइंस बदल जाएंगी दोस्तों, चेंज हो जाएगी, थीटा एंगल चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से आप जितने भी टाइम से ये मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे चेंज कर रहे हो, है ना, तो डी ये जो है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है यहाँ पे, टाइम के हिसाब से जितना भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे उसी हिसाब से इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा, जिसे ई से नोटेट किया जाएगा, इसको वोल्टेज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिसे आप इस सरफेस एरिया को इस मैग्नेटिक लाइंस के अंदर हिला रहे हो, इसको फोर्स दे रहे हो, तो इसकी वजह से इसके अंदर से जाने वाली जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्मली जाने वाली वो चेंज हो रही है, इसके बतौर पे ये डी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे हो रहा है, और जितना ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा चेंज होता उसके हिसाब से इसमें ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बस यही बताया फैराडेज के फर्स्ट लॉ ने कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज इसमें पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा, यही फैराडेज का फर्स्ट लॉ है दोस्तों।
ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट लॉ आप आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको थोड़ा और समझेंगे और फैराडेज का सेकंड लॉ देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये हमने जो स्मॉल सरफेस रखा है ऐसे पूरा परपेंडिकुलर है, इसमें जो भी लाइन जा रही है इसको परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक पर BDS आएगा। थोड़ा सा इसको हिला दिया तो यहाँ पे थीटा एंगल चेंज होगा, कुछ तो थीटा बनेगा, उस हिसाब से इसका वैल्यू आएगा फ्लक्स का। फिर इसको ऐसा पूरा इसमें स्लिप कर दिया है ना, तो इसके लिए यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 0 बन रहा है, कॉस 0 की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, इसलिए पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हर बार जैसे जैसे आप सरफेस एरिया इस फील्ड के अंदर को हिलाओगे, इस सरफेस को इसमें मोशन लाओगे, इसमें फोर्स दोगे, तो ये क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हर बार चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब होगा तो इसके अंदर आपको वोल्टेज प्रोड्यूस नजर आएगा, EMF प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा फैराडेस का फर्स्ट लॉ है। अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। क्या बोलता है ये सेकंड लॉ? सेकंड लॉ ने सिर्फ इतना बोला है कि हमने अभी जो फैराडेस के फर्स्ट लॉ में देखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें उस तरीके से EMF प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे इसने इसमें प्रोपोर्शनैलिटी बताई है दोस्तों, कि जितना आप यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे उसकी के प्रोपोर्शन में यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता रहेगा, उतना ही EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज प्रोड्यूसिंग यूनिट, जितना भी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो इसके प्रोपोर्शनल में ही होता है। ठीक है, कम अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो कम EMF होगा, ज्यादा अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करोगे, चेंज करोगे पर यूनिट टाइम, तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हिलाओगे तो उतना ज्यादा EMF आएगा, और जितना कम हिलाओगे उतना कम EMF आएगा दोस्तों इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेकंड लॉ भी समझ चुके हैं दोस्तों। और ये देखिए, इसी चीज को यहां पे मैं आपको बता दूं, ये पूरा कंप्लीट सर्किट है, यहां पे कॉइल बना हुआ है, तो इसके अंदर ये देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के भीतर में हमने इसको सर्किट को रखा हुआ है, और यहां पे अगर आप वोल्ट मीटर लगा देते हो तो आपको इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। इतन जितना ज्यादा आप इसको यहाँ पे हिलाओगे उतना ज्यादा इसमें से परपेंडिकुलरली जाने वाली जितने भी मैग्नेटिक लाइन्स है वो चेंज होती रहेगी इसके हिसाब से, तो वो जैसे जैसे चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उतना आपको इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, ये वोल्टेज दिखेगा दिखाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हिलाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा। तो फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना बताया है कि अगर आप इसे हिलाते हो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, और सेकंड लॉ में इतना बताया जिससे जिस हिसाब से आप इसमें मोशन करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो जितने क्वांटिटी में, उतने ज्यादा क्वांटिटी में वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल रहेंगे, यही बताया। और लेंज लॉ ने क्या बताया कि सिर्फ इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग है, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को जिस डायरेक्शन में चेंज करते हो वो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में EMF प्रोड्यूस होता है, ये लेंज लॉ ने बताया। उसको भी हम डिटेल में हमारे अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है और समझ में आया है दोस्तों, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में जरूर चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।